गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर 5 है एनपीटीईएल का, पाइथन फॉर डेटा साइंस। लेक्चर नंबर 5, इस लेक्चर नंबर 5 में वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन है। तुम लोग देखे तो नहीं होगे, तो क्या कैसे लगे? पहला है नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल को कैसे नेम करते हैं, और बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है, आइडेंटिफाई डेटा टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, verify if that object is of from a certain data type or not, है ना, whose object to new data type। करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल नेम, वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं, वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं कौन बताएगा? पाइथन पढ़ चुके प्रशांत, बताओ क्या रूल है वेरिएबल नेमिंग के लिए? हाँ, वेरिएबल कैसे देते हैं, क्या क्या उसका वेरिएबल नेमिंग रूल क्या क्या है सर? इंट टाइप का रहता है, स्ट्रिंग है, नहीं सुने फिर तो बोलो। इंट स्ट्रिंग डबल ही सुनो सर। वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वैलिड वेरिएबल नेम होगा, क्या क्या इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा? अरे अल्फाबेट से शुरू होता है, ये तो जानते हो ना, नंबर से शुरू नहीं होगा, अल्फाबेट से शुरू होगा, और अल्फानुमेरिक हो सकता है, बट दैट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, हमेशा स्टार्ट होगा तो अल्फाबेट से होगा। अंडरस्कोर भी अलाउड है, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, ठीक है, तो अल्फाबेट से शुरू हो सकता है और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बट उसके बाद नंबर रहेगा, उसका नंबर रह सकता है, ठीक है, नंबर से शुरू कभी नहीं होगा, ठीक। इसका ये मतलब है स्पेशल सिंबल हो सकता है ना, स्पेशल सिंबल सर, स्पेशल सिंबल,
सिर्फ अंडरस्कोर, उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, अंडरस्कोर के अलावा कोई नहीं। और जावा में डॉलर है, अंडरस्कोर के अलावा डॉलर है वहां पे, यहाँ डॉलर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करके वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन उसको सिंपल वेरिएबल के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, उसका खास पर्पस है। अगर अ वेरिएबल स्टार्टेड विद अंडरस्कोर, दैट मीन्स इट विल बी private type of, if it is started with double underscore then it will be strictly private. और कोई variable underscore शुरू होता है और last में underscore इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो ये हमारा language special language construct है। ठीक है, तो ये हमारा simple जो rule है वो यही है। okay, तो नेमिंग वेरिएबल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कि अगर किसी वेरिएबल में कोई डेटा असाइन करना है तो हम लोग इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम डेटा असाइन कर लेते हैं। वेरिएबल शुड बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए, तो जैसा कि पाइथन में है और जैसा जावा में है, वेरिएबल नेम का के लेंथ को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल नहीं है, कितना बड़ा भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, you can create a variable of any length, लेकिन that is not all again recommended. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा variable बनाइएगा तो आपको उसको track रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, मुश्किल होगा, type करना पड़ेगा बार बार variable का नाम बड़ा बड़ा। तो variable का नाम short होना चाहिए और descriptive होना चाहिए। descriptive कहने का मतलब जैसे मान लो हम int type का कोई data store करने वाले हैं, roll number, तो हम लिखेंगे int roll, ऐसा लिखा जाता है, लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो नेम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, str name, ठीक है, float percentage, ऐसा हमको बनाना चाहिए और इंडस्ट्री में ऐसा यूज होता है। और मान लो किसी तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी क्लास का, तो obj लगा देंगे। ठीक है, obj, अगर एम्प्लॉय नाम का क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं e1, तो हम लिखेंगे obj e1, और दोनों दो अलग अलग वर्ड जहां इंटरफेस हो रहा है, जहां सट रहा है, वहां पे सेकंड वर्ड का पहला लेटर है उसको कैपिटल किया जा सकता है ज्यादा रीडेबिलिटी के लिए। ठीक है, सब एक साथ रहेगा तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक बार सेकंड लेटर को कैपिटल कर देते हो तो हम लिखते हैं obj emp, तो ई बड़ा हो गया, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग वेरिएबल्स नेम दैट क्लैश विद द इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन के साथ, मतलब जो कीवर्ड है मेरा उसके साथ हम क्लैश ना हो मेरा, अदरवाइज एरर। ठीक, डिजाइन टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ इट्स यूज टू इट्स यूजर, अवॉइड वन कैरेक्टर वेरिएबल्स हो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन भी है कि हम लोग लिखते हैं ए बराबर आई बराबर पी बराबर, तो वन कैरेक्टर वेरिएबल नेम्स आर यूजुअली यूजिंग इन लूप कंस्ट्रक्ट फंक्शन। एक कैरेक्टर से हमको कुछ पता नहीं चलता है, आई ए बी सी ऐसा कुछ बना लेंगे, बाद में नीचे हमको पता चलेगा ए वेरिएबल क्या था, हमको तो पता नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं हुआ, तो रॉल हो गया, नेम हो गया, पिन हो गया, ऐसा वाला हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन जहां पे हमको फॉर लूप चलाना होता है या किसी फंक्शन में पैरामीटर पास करना है, दैट टाइम वन नंबर वन कैरेक्टर वाला डेटा टाइप यूज किया जा सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। पर्टिकुलर शॉर्ट प्रोग्राम में तो कर सकते हैं ना सर, शॉर्ट प्रोग्रामिंग में तो कर ही सकते हैं ना। मना नहीं किया गया है, मना नहीं किया गया है, बट अगर इस तरह का तुम वेरिएबल यूज करोगे तो तुमको डे टू डे प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दैट इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके, सो नेमिंग वेरिएबल में देखो एज है तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया टू एज बराबर 55, एज टू ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो कैपिटल ए वाला एज है, ये एज, ये सब अलग अलग लिखा गया है, ऑल आर डिफरेंट वेरिएबल, ऑल आर डिफरेंट,
यहाँ पे नंबर आगे कर दिया गया तो सिंटैक्स इनवैलिड हो गया. ओके, नेमिंग वेरिएबल देखो अंडरस्कोर एम्प्लॉय एट अंडरस्कोर आईडी, दैट इज गुड. यूज ऑफ एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर विल थ्रो एन एरर, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे तो एरर थ्रो करेगा. ठीक है, एम्प्लॉय एट द रेट आईडी लिखा गया है, एम्प्लॉय एट द रेट आईडी, दैट इज देन इट इज एरर. ओके, वेरियबल नेम शुड नॉट बिगिन और एंड विद अंडरस्कोर इवन दो बोथ आर अलाउड, बोथ आर अलाउड बट इट इज नॉट, we should not use this type of variable because it has some special meaning. Okay. Sir, go finish from here. Huh? Double underscore, sir. शुरू में जो बीच में वो वाला sir. ये वाला? Yes, sir. ये? Yes. बोले ना कि जो variable अगर underscore से शुरू होगा ना, उसको बोलते हैं that is private. अगर हम आगे दो अंडरस्कोर लगा के वेरिएबल शुरू करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर एज, तो बोलते हैं उसको स्ट्रिक्टली प्राइवेट. ठीक है, और अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, दोनों में अंतर क्या है सर? किसमें? प्राइवेट और स्ट्रिक्टली प्राइवेट में? प्राइवेट और स्ट्रिक्टली प्राइवेट में अंतर क्या है, ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे तुम लोग को. ठीक है, एक प्राइवेट है एक स्ट्रिक्टली प्राइवेट है, और दोनों तरफ अंडरस्कोर लग गया तो उसको कहते हैं लैंग्वेज डिफाइंड, मतलब लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम. ठीक है, इसके बारे में बता देंगे उनको. ओके, तो ये हो गया. और इसके बाद हाँ, ये कुछ नेमिंग बताया गया है ऐसे, जैसे यहाँ पे क्या किया गया, देखो कैमल लोअर एंड अपर केस मिला के एज और दूसरा वाला कैपिटल कर दिया. ठीक है, यहाँ दोनों वर्ड का एक एक कैपिटल कर दिया गया. ठीक है, तो ये वाला बोल रहा है कैमल और ये कह रहा है स्नेक, और दिस इज अगेन पास्कल, तो ये भी तो पास्कल ही जैसा है. खैर, नेमिंग पूरा का पूरा प्रोग्रामर का इशू है. प्रोग्रामर कैसा वेरिएबल बनाता है, कैसे वेरिएबल में वो कंफर्टेबल है, बट इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी टीम में काम कर रहे हो तो तुम्हारा लिखा गया प्रोग्राम किसी और को भी देखना पड़ेगा, उस पर कोई और भी काम कर सकता है, तो वेल डिफाइंड नेम होना चाहिए. इतना ही है. इस तरह से भी असाइनमेंट हो सकता है, अगर तीन वेरिएबल का असाइनमेंट करना है तो हम तीन लाइन में लिखें फिजिक्स बराबर 89 और केमिस्ट्री बराबर 90, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ऑलरेडी यू नो. ओके, ओके, डेटा टाइप में हम लोग बात करें बूलियन इंटीजर कॉम्प्लेक्स फ्लोट स्ट्रिंग. ओके, तो बूलियन जो है वो हमारा क्या है, ट्रू और फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है. That value is capital T wala true or capital F wala false. It is not true or false with small t. Integer hai set of whole number, all integer, that is Z. Or complex hai A plus I J ke form mein rahega. A plus B J ke form mein rahega, jahan A real number hai. Aur jo I likha gaya hai na yahan pe, इसी को जे कह रहे हैं. ए हो गया रियल नंबर और बी हो गया इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो ए प्लस बी जे के फॉर्म में मेरा नंबर रहेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. ये अलग सा डेटा टाइप है या बोलो क्लास टाइप है पाइथन में. पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. ओके, कॉम्प्लेक्स में अलग से दो दिया गया एट्रीब्यूट, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट रियल और डॉट इमेजिनरी. तो हम निकाल सकते हैं, अगर सी बराबर हम लिख देंगे कुछ ऐसा नंबर, तो सी डॉट रियल करोगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा और सी डॉट इमेज करोगे तो बी का मिल जाएगा. फ्लोट जो है दैट इज लाइक रियल नंबर. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल में भी दिखा सकते हैं,
और वो हमको बहुत फायदा करता है, बहुत यूज होता है जब बहुत बड़ा नंबर बहुत कम मेमोरी स्पेस में सेव हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं कि 1.2 ई टू दी पावर 40 या 30, तो ये इसका मतलब हो गया 1.2 गुने 10 to the power 30, तो बहुत बड़ा नंबर होता है और बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन में हम उसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, तो ऑल स्ट्रिंग आर कैरेक्टर इनक्लोज बिटवीन स्ट्रिंग और डबल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, इसके बीच में जो सिक्वेंस ऑफ टेक्स्ट है दैट इज स्ट्रिंग। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैटिकली टाइप किसको कहते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑल द लैंग्वेज, हमको क्या करना पड़ता है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है डेटा टाइप के साथ, और डिक्लेयर करने के बाद हमको उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकली टाइप डेटा लैंग्वेज। और मेरा पाइथन में क्या होता है, दैट इज द डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। और यहाँ पे आप वेरिएबल लिखे, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसका वैल्यू रखो वेरिएबल में, और अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल हमारा वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, so contrary to this dynamically typed language is one where the data type need not be declared upfront, the type of the variable is known only at the time runtime, so whenever you declare a variable and you assign a value of it, the moment you run the specific line the data type of the variable is known. Example of such language are Python, PHP. So Python that we are using here is dynamically typed language. ओके, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। जिस तरह तुम डेटा टाइप बना रहे हो, वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग लिस्ट है, कुछ भी है, ऑल आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका टाइप जानने के लिए हमको टाइप एक मिलता है फंक्शन। ठीक, तो उसको हम यूज करेंगे, टाइप ऑब्जेक्ट तुमको मिलेगा। ओके, जैसे करके दिखाया यहाँ पे, टाइप एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम दैट इज एसटीआर, टाइप ऑफ एज दैट इज आईएनटी, टाइप ऑफ हाइट दैट इज फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को ये दिखाया गया है कि कैसे वेरीफाई करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास का है कि नहीं है, हमको अगर जानना है। तो टाइप अभी तुम देखे इच जानते हो, तो क्या लिखते हैं हमको, यही कि टाइप, टाइप निकाले हाइट का, इज आई एन टी, इज आई एन टी। ठीक है, अगर आई एन टी है तो ट्रू मिलेगा मैसेज, अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो टाइप ऑफ हाइट जो था वो फ्लोट था, तो फ्लोट इज आई एन टी ऐसा लिखा जा रहा है, फ्लोट इज आई एन टी नहीं, फ्लोट फ्लोट होता है तो दैट इज फॉल्स। यहाँ एज है इंटीजर, तो टाइप ब्रैकेट में एज, ओके, टाइप ब्रैकेट में एज, तो हमको मिलेगा यहां से इंटीजर, तो हम देखें इंटीजर फ्लोट, अगेन फॉल्स। एम्प्लॉय नेम राम, तो टाइप एम्प्लॉय नेम, तो दैट इज ट्रू। ओके, तो ये हो गया। यहां पे इस बात का डिस्कशन है कि हम डेटा को दूसरे डेटा में कैसे स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में स्टोर करना है। ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में स्टोर करना है, ये कैसे हो सकता है, तो हम करेंगे। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, कन्वर्ट डेटा टाइप टू एन ऑब्जेक्ट टू अनदर, सिंटैक्स डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, सी सी प्लस प्लस
जावा सब जगह हम लोग ये काम करते थे कि किसी डेटा को, किसी एक डेटा टाइप के डेटा को दूसरे डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ता था, तो हम टाइप कन्वर्शन करते थे, टाइप कन्वर्शन करते थे तो मेरा कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ भी वही काम हो रहा है, यहाँ भी वही काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो हम लिखे यहाँ पे एज 55 है, ठीक है, टाइप हाइट लिखे फ्लोट, और हाइट के आगे INT लगा दिए, इंटीजर हाइट बराबर ST, तो ST को देखे तो इंटीजर हो गया। ओके, ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है ना कि INT है, दैट इज द क्लास नेम, और क्लास नेम से जब फंक्शन कॉल करते हो तो दैट इज वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट फंक्शन दैट क्लास। ओके, तो INT का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और ये रिटर्न करता है INT वैल्यू, ठीक है। तो हम किसी तरह डेटा को हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये हम लिखे हैं सैलरी टीयर सिंगल कोट्स वन, तो इसको वैल्यू देखो, इसको जब देखते हैं तो हमको स्ट्रिंग मिलता है, गुड। अब हम लिखते हैं सैलरी टीयर बराबर INT सैलरी टीयर, मतलब इन सैलरी टीयर को इंटीजर में बदलना चाहते हैं, सैलरी टीयर को इंटीजर बदलना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग डेटा को हम इंटीजर में बदल सकते हैं? क्या हुआ? स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में बदला जा सकता है कि नहीं? नहीं सर, ओके, नहीं बदला जा सकता है। लेकिन स्ट्रिंग में जो डेटा टाइप है दैट इज डिजिट, नंबर है, ये नंबर है, तो इस कंडीशन में इसको बदला जा सकता है। अगर यहाँ पे ABCD हेलो वर्ल्ड है नंबर है तो और इंटीजर हो गया ना सर, है? नंबर आता तो इंटीजर हो गया ना, तो इंटीजर से इंटीजर में तो बदल ही सकते हैं सर। आपने पूछा ना कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सर? बता रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग दो तरह से हो सकता है। स्ट्रिंग में अगर हम किसी तरह का डेटा रखते हैं तो सिंगल कोट्स में इंक्लूड करके रखते हैं ना, यस सर, ठीक है, तो सिंगल कोट्स में अगर इंक्लूड करके डेटा है और वो दैट न्यूमेरिक डेटा इज देयर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। आखिर तो है वन, इसको इसका तो अपना इंटीजर सिग्नेचर है ना, इसका अपना यस सर, इंटीग्रल सिग्नेचर है, तो ये चेंज हो जाएगा। करना क्या है, देखो सैलरी टीयर बराबर INT सैलरी टीयर, तो इंटीजर चेंज हो गया ये। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन है। अब मान लो कि हम लिखते हैं एम्प्लॉय नेम बराबर राम, ये भी तो इंटीजर है, तो क्या इसको हम स्ट्रिंग में चेंज कर पाएंगे क्या? नंबर में INT में कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया एम्प्लॉय नेम बराबर फ्लोट, एम्प्लॉय नेम, कोशिश की गई इसको इसके डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, लेकिन एरर आ गया, कंपाइल टाइम एरर आ गया इसके लिए, ठीक है। तो कन्वेंशन टू नेम असेंबली था इस पूरे लेक्चर का, कि बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल गेट कन्वेंशन टू मेक आ नेम, नेम अ वेरिएबल, क्या क्या कन्वेंशन है, बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या है, ये सारा का सारा। और डेटा टाइप्स को अगर हमको बड़ा करना पड़े, दूसरे डेटा टाइप में रखना पड़े, तो कैसे रख सकते हैं, ठीक है। ये था लेक्चर 5, और इसके बाद आता है लेक्चर 6, ठीक है। लेक्चर सिक्स में डिस्कशन है ऑपरेटर के बारे में, व्हाट आर द ऑपरेटर्स यूज इन पाइथन लैंग्वेज। ओके, इन दिस लेक्चर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, सिमेंटिक असाइनमेंट, रिलेशनल और कंपैरिजन, लॉजिकल बिटवाइज एंड प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, ये सारा का सारा टॉपिक इस लेक्चर का है। ओके, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, हमारे पास ऑपरेटर किसको कहते हैं, ऑपरेंड किसको कहते हैं? ऑपरेटर
हर ऑपरेटर का अपना वर्किंग फिक्स है, उसका फंक्शन ठीक फिक्स है। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड, ऑपरेंड पे वही काम होगा जो ऑपरेटर के द्वारा, जैसे प्लस साइन है तो ऐड होगा दोनों ऑपरेंड, माइनस साइन है तो दोनों ऑपरेंड के बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर आर ए स्पेशल सिंबल दैट हेल्प्स इन कैरिंग आउट एन असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन द इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो यहाँ दो और तीन जिसको बोलते हैं ऑपरेंड, और बीच में प्लस ऑपरेटर है। ओके, यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, प्लस है, क्रिएट टू वेरिएबल ए एंड बी वैल्यूज 10 एंड 5। ओके, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए करके दिखाया है। और ये जो तुम आउटपुट देख रहे हो ना, ये आउटपुट है जुपिटर नोटबुक का ही जैसा आउटपुट है ये भी। अर्थमेटिक ऑपरेटर, यस, मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए, परसेंटेज साइन रिमाइंडर के लिए, डबल एस्टिक एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है, और क्या, पैरेंथेसिस, अच्छा हायरार्की, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को, हाँ अब सारा ऑपरेटर मिल गया, जो जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ जोड़ घटाव इधर था और यहाँ गुना भाग, परसेंटेज और एक्सपोनेंट, और यहाँ पे था हायरार्की कैश। अगर प्रायोरिटी अब बात करें हम लोग, प्रायोरिटी क्या क्या होती है, तो प्रायोरिटी में मिलेगा पैरेंथेसिस सबसे पहले, एक्सपोनेंट उसके बाद, डबल स्टार, डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का समझ में आ गया कि 10 इज असाइन टू ए एंड 5 इज असाइन टू बी, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है, अच्छा प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मतलब लिखते हैं हम लोग सी प्लस प्लस या ए प्लस प्लस, इसका मतलब इंक्रीमेंट्स, एक से इंक्रीमेंट है ना, एक यस से सर, इंक्रीमेंट। अगर मान लो इंक्रीमेंट हमको 2 से इंक्रीमेंट कराना हो तो क्या करेंगे, 2+1 3। सी प्लस इक्वल टू 1 है यस सर, ना, ठीक है। +1 ऐड कर जाएंगे, इंक्रीमेंट प्लस तो तुमको करो। लिखना पड़ेगा सी बराबर सी प्लस 1 ना लिखना पड़ेगा, या सी प्लस 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस करते तो उसका मतलब ही तो यही था ना, सी बराबर सी प्लस 1, तो 2 से बढ़ाना होगा। अगर प्लस प्लस करते हो तो ऑब्वियसली 1 से इंक्रीमेंट होगा, 2 से या 3 से या 4 से किसी से इंक्रीमेंट कराना हो तो हम क्या लिखते हैं, सी प्लस इक्वल टू 4, सी प्लस इक्वल टू 4। तो प्लस और इक्वल टू, इसमें सब बात हो गया, प्लस भी सी प्लस 4 एंड सी इक्वल टू सी प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं, क्या होता है ना, एड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड एंड स्टोर रिजल्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ओके, तो हम सी प्लस 2 लिखेंगे तो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, इसका मतलब क्या, सी बराबर सी इंटू समथिंग, तो हम लोग लिख देते हैं मान लो सी स्टार इक्वल टू 2, तो सी बराबर सी गुना 2, फिर जो वैल्यू होगा सी बराबर 2 गुना 2, ये वापस असाइन होता जाएगा। तो इसमें एक ही साथ दो काम हो रहा है, एक तो इंक्रीमेंट भी हो रहा है और इंक्रीमेंट का हम रेंज भी दे रहे हैं कितना से होना है, और इंक्रीमेंट के बाद वो नंबर वापस उस डेटा में स्टोर भी हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये वाला था मल्टीप्लाई राइट ऑपरेंड फ्रॉम, अच्छा ये क्या था, ये मल्टीप्लाई था, ये क्या था, सब राइट ऑपरेंड ऑपरेंड एंड स्टोर रिजल्ट इन द, अच्छा माइनस है, इतना छोटा कि दिख नहीं रहा, माइनस था, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये डिवीजन था, सारा का सारा वही है।
जितना इधर बाएं तरफ वेरिएबल का नाम देना है, इधर एक डेटा देना है, इधर एक डेटा डेटा देना है, और समझ लो कि उस डेटा में दोनों साइड गुना होगा और लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है? ओके, सो एस्ट्रिक ऑपरेटर विल मल्टीप्लाई द राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड विल स्टोर द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. नाउ इट इन दिस केस अगेन आई एम गोइंग टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए इज 10, बी इज 5, विच मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग ए एंड बी फर्स्ट एंड ए गुना बी विल गिव मी अ प्रोडक्ट ऑफ 50. ठीक है, यहां देखो ए गुना बी. इसके बाद रिलेशन और कंपेरिजन ऑपरेटर, वैसा सारा ऑपरेटर जो दो नंबर को कंपेयर करे, जो दो नंबर को कंपेयर करेगा और ट्रू और फॉल्स के रूप में हमको इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, पाइथन में ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 होता है. पाइथन में जावा जैसा नहीं है यहाँ पे कंडीशन. ठीक है, इवन हम अगर मान लो हम शेल में लिखते हैं कैपिटल टी वाला ट्रू प्लस कैपिटल टी वाला ट्रू अगेन, तो हमको रिजल्ट आएगा 2, रिजल्ट आएगा 2. ठीक है, तो ये हमको इस तरह से हो गया. और हम देखते हैं कि प्रिंट एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई, और अगर एक्स लेस देन वाई सही होगा, मतलब एक सही में एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू से छोटा होगा, तो ये हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा. ठीक है, ये लेस देन है और ये लेस देन इक्वल टू है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है. ठीक है, रिलेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू मतलब हम बराबर इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं कि बराबर तो नहीं है. तो ये सारा का सारा रिलेशनल और कंपैरिजन वाला है. लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारा और एंड नॉट है. ओके, यहाँ भी हम अगर दो वैल्यू, दो सेम टाइप के वैल्यू को एंड करते हैं तो हमको वो वैल्यू मिल जाता है, और करते हैं तो हमको दोनों में से जो हाई रहेगा उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन, ठीक है, वाई. तो अब देखो क्या दोनों में से कोई, दोनों दोनों तो सही नहीं हो सकता ना, दोनों सही नहीं हो सकता. एक्स बड़ा होगा वाई से या वाई बड़ा होगा एक्स से, दोनों तो नहीं सही होगा. दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हुआ तो हमको और के कारण ट्रू मिलेगा, एंड के कारण फॉल्स मिलेगा. ठीक है, और अगर नॉट चेक करेंगे, दैट इज नॉट एक्स बराबर वाई, तब भी ट्रू मिलेगा, चूंकि एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर नहीं है. ओके, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर कहने का मतलब होता है कि एक एक बिट पे ये ऑपरेट होगा. एक एक बिट पे मतलब बाइनरी में उस नंबर को कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद दूसरा नंबर उसके साथ लगा दो, और में अगर उस प्लेस में दोनों में, अगर दोनों में से किसी एक में भी हाई है, वन है, तो आंसर वन, दोनों में है तब भी वन, अगर दोनों में जीरो है तभी जीरो होगा. ये हो गया और, नहीं ये हो गया एंड. और में क्या होगा कि दोनों में से कोई भी वन है तो वन दिख लेंगे. ठीक है, तो मान लो एक नंबर है 3, 3 को बाइनरी में लिखते हैं 011, 213, हाँ, और एक नंबर है 4, 4 कैसे लिखेंगे, 012, मतलब 100. ठीक है, 100 और 011, इस दोनों को हमको एंड भी करना और भी करना है. तो 1 एक है और इधर क्या है, इधर हमारा क्या था, 3 था ना, तो 101 है, 0101, और यहाँ पे मेरा 140. अब और करते हैं, और करते हैं तो क्या होगा, और करते हैं तो मेरा इधर वाला 1 भी आएगा, 101 भी आएगा, और ये 1 भी आएगा, 4 वाला 1 भी आएगा. एंड करेंगे तो कौन सा आएगा,
कोई नहीं आएगा। अच्छा कैसे होगा? थ्री और फोर है ना, प्रिंट फोर और थ्री, सात, ठीक है, चार तीन सात, एंड करते हैं प्रिंट फोर एंड थ्री जीरो, ठीक है, क्योंकि कोई एक लाइन में कहीं मिला ही नहीं, इधर वन है और तीन जीरो है और इधर वन जीरो वन है और इधर लास्ट में जीरो है, तो कोई वन मिलेगा नहीं, तो और में करेंगे तो हमको अच्छा होगा, एंड में करेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है। द अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ बिटवाइज ऑपरेटर इज दैट दे कैन ऑपरेट ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट कैन कंपेयर स्केलर वैल्यू और दे कैन ऑल्सो कंपेयर एरेज। नाउ इफ यू वुड लाइक टू कंपेयर एरेज यू वुड बी यूजिंग अ बिटवाइज ऑपरेटर। We earlier saw that we cannot use a logical operator to handle arrays, and this is where bitwise operator step in. Okay, यहाँ देखो करके दिखाया है, create two variable x बराबर 5 and y बराबर 7, अगर respectively x बराबर 5 तो 5 का हो गया ये 0 1 2 दो तीन चार एक पांच, यहाँ हो गया ये हो गया तुम्हारा 0 1 2 दो तीन चार दो छ एक सात, ये सात हो गया, ये पांच हो गया। अब देखो मान लो इस एक के नीचे दूसरा लिख दो और हर लाइन में कोशिश करो तो क्या आएगा, और में तो ये तीनों वन आ जाएगा, और में ये तीनों वन आ जाएगा, मतलब सेवन हो जाएगा। एंड करते हैं तो सिर्फ वन जीरो वन ही आ पाएगा, क्योंकि वन के नीचे वन आएगा यहाँ पे, और ये तो इसमें मेरा क्या आएगा, और करेंगे तो बड़ा वाला संख्या आएगा, और एंड करेंगे तो छोटा वाला संख्या आता है, ठीक, वो तब आएगा मेरा पांच। उसी चीज को समझाया गया यहाँ पे, बाइनरी कोड फॉर फाइव दैट इज दिस वन, ये वाला, ठीक है, तो जीरो 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 बिट वाइज और है, इसके बाद ये भी जीरो, ठीक है, ये वन और ये वन मिला के ये वन, ठीक है, ये वन मिला यहाँ तो जीरो है तो जीरो, और ये वन मिला के वन तो वन, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, बहुत इजी है, बिट वाइज और इंटीजर। ओके, सिंबल यूज होता है पाइप साइन और के लिए, एंड परसेंट साइन एंड के लिए, ठीक है। बिट वाइज प्रेसिडेंस क्या होगा, बिट वाइज सबसे पहले और होगा, उसका ये पहले और अब करेंगे यूज बिटवाइज का, उसके बाद रिलेशनल कंपेरिजन ऑपरेटर यहाँ पे होगा, उसके बाद लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, सबसे पहले नॉट एंड और ऑन, ओके, इस तरह से होगा। इस पूरे लेक्चर का समरी है ये कि इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स क्या देखे हम लोगों ने, अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, रिलेशनल देखा, और लॉजिकल देखा, और बिटवाइज ऑपरेटर देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का डेटा टाइप शुरू होगा, सिक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और एरे पढ़ेंगे। एरे हमारा डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है, एरे का इस्तेमाल हम पाइथन में लिस्ट के रूप में करते थे, लिस्ट इज नथिंग बट अ कहते हैं होमोजेनियस आइटम को रखता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नहीं सर, लिस्ट होमोजेनियस आइटम को नहीं रखता, हाँ, लेकिन लिस्ट में करते हैं ना, एरर नहीं रहता है क्या? लिस्ट तो सर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को भी रख सकता है। हाँ वही कह रहे हैं, एरे एरे कैसे इस्तेमाल करते हो पाइथन में, ये बताओ। नंपाई के द्वारा सर,
एमपाई के द्वारा आइडियली में तो नहीं करते थे, हेलो सर, आइडियली में तो नहीं होता था ना वहां पे। फिर अरे पैकेज चाहिए हमको, इनपुट अरे करेंगे तब हम यस सर, लिखेंगे नहीं वहां पे, होता जैसे सर, नंपाई करते वैसे ही। ठीक है, तो आइडियली में सपोर्टेड नहीं है वो चीज। ठीक, तो यहाँ उसके बाद हम लोग अरे देखेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास से हम, अब इसके बाद का लेक्चर अब वहां पे मिलेगा, मिला नहीं है। ठीक है, वहां पे अब डाउनलोड नहीं हो रहा है। खैर, एक सर कंटेंट मेरा पूरा, डेटा मेरा सर खत्म हो गया सर, क्लोज हो जाएगा मीटिंग सर। हम डेटा खत्म ही कर रहे हैं, क्लास क्लास खत्म कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे ना कि अब वहां पे जो सारा कंटेंट है, ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लोर। अभी तक तुम लोग जानते थे इसीलिए इसको हम ऐसे चला रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंटेंट हम अपना कंटेंट लेके आएंगे, उससे क्लास होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सर।